हेलो एंड वेरी वेलकम टू वन एंड ऑल। लास्ट जो गेट का मैंने वीडियो बनाया था उसमें हमने बात किया था कि गेट 2025 एग्जाम के लिए टाइम टेबल के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो ये वही वीडियो है, हम लोग इस वीडियो में गेट 2025 के लिए अगर आप प्रिपरेशन करें तो क्या बेहतर टाइम टेबल फॉलो किया जाए ताकि आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो सके, है ना। टाइम को कैसे मैनेज किया जाए, जो बचा हुआ टाइम है ना, कितना बचा हुआ टाइम है। आप अगर देखोगे आज कौन सा डेट है, 8 अक्टूबर, अगर आज आप प्लान बनाते हो, अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये आपका एडवांटेज है आपके लिए और बेहतर है ना। आप उस तरीके से और थोड़ा सा चीजों को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हो, आपके पास उतने नंबर ऑफ डेज बढ़ जाएंगे, है ना, अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो। अगर आप आज से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो आज कितना डेट है आपका, 8 अक्टूबर, मैं मानता हूँ कि आज से फॉर एग्जाम्पल आप स्टार्ट कर रहे हो। पहली चीज तो ये कि आप ये मान लीजिए कि ये वीडियो इसके बारे में नहीं है कि कैसे आप टाइम मैनेज करें। अगर आप गेट का एग्जाम दे रहे हैं तो आपने ग्रेजुएशन किया है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तब आप गेट का एग्जाम दे रहे हैं, तो आप ये बेहतर जानते हैं कि टाइम को कैसे आपको मैनेज करना है। हम उस पर बात नहीं करेंगे, हम ये बात करेंगे कि जो बचे हुए ये 116 दिन है 31 जनवरी तक, क्योंकि 1 फरवरी को एग्जाम है। अगर आपका लेट्स से 15 या 16 को मैथमेटिक्स का एग्जाम होता है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, 15 दिन आपको और मिल जाएंगे। पर अगर मान लिया 1 तारीख को भी आपका एग्जाम है तो हम 31 जनवरी तक मानते हैं कि हमारे पास दिन है, तो लगभग 116 दिन 8 अक्टूबर से हैं। तो इन 116 दिन को कैसे मैनेज करना है, कैसे डिफरेंट टॉपिक्स में डिवाइड करना है ताकि हम सारे टॉपिक्स को कवर कर सकें, इस वीडियो में हम इस चीज पे बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे भी बात कर सकते हैं कि कैसे आपको, कई लोगों ने कमेंट करके बताया कि कैसे ऑफिस के साथ जो लोग जॉब करते हैं कैसे आप टाइम को मैनेज करें, कैसे गेट के लिए प्रिपरेशन करें। एक चीज तो ये कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, बेहतर पढ़े लिखे हैं, तो आप जानते हैं टाइम को कैसे मैनेज करना है, पर फिर भी हम नेक्स्ट वीडियो में इस पर बात करेंगे कि कैसे हम टाइम को मैनेज कर सकते हैं, है ना। तो ये जो 116 दिन हमारे पास है 8 अक्टूबर से, अगर आज से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो, ऐसा हम मानते हैं ना, नहीं करो तो वो और भी अच्छी बात है आपके लिए। इन 116 दिन को डिफरेंट टॉपिक्स में हम कैसे डिवाइड करें, तो ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको वेटेज दिखाया था। यहां से आपको टॉपिक्स मेन मेन पता चलते हैं कि कौन से हैं और किससे कितने नंबर का आता है, ये भी आपको दिखता है ना। तो इसी के बेस पे मैंने क्या किया है, 116 दिन को डिवाइड किया, ये आपका टाइम टेबल है, है ना। थोड़ा सा अगर आप चाहे तो इसमें चेंजेस अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, अदरवाइज ये टाइम टेबल लीजिए, एक पेज पे चाहे तो आप लिख ले, प्रिंट आउट निकाल के आप लगा लीजिए जहां पे आप पढ़ते हैं बैठ के या फिर जहां पे आप सोते हैं, उसको डे टू डे फॉलो करिए। बनाना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है कि आप उसको फॉलो करें, ठीक है। टाइम टेबल रोज फॉलो करिए, हम लोग कंटिन्यूअसली मिलते रहेंगे अपने चैनल पे, डिस्कस करते रहेंगे कि भाई आपका चल रहा है कि उस तरीके से नहीं चल रहा है ना। तो ये टाइम टेबल आपको फॉलो करना है, अगर आप फॉलो करते हैं रोज लगभग 3 घंटे, 3 घंटे अगर आप पढ़ोगे तो हो जाएगा। जैसे मैं आपको समझाता हूं कि रियल एनालिसिस के मैंने सर हर एक टीचर से जो भी जो पढ़ाता है उससे नंबर ऑफ लेक्चर्स मांगे थे कि कितने नंबर ऑफ लेक्चर्स लगभग लगते हैं, तो रियल एनालिसिस, टोपोलॉजी, मेजर थ्योरी, इन सारे टॉपिक में लगभग 60 लेक्चर में कंप्लीट हो जाता है। 2 घंटे का एक लेक्चर रहता है, अगर आप रिकॉर्डेड की बात करें, कहीं से भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं लेक्चर्स में ही डिवाइड करके आपको बताता हूं। आप अगर अपने आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपको और भी कम टाइम लगेगा, फिर आपको 2 घंटे 4 घंटे के लेक्चर्स आपको नहीं देखने हैं, तो आप वैसे कर सकते हो। अगर आप कहीं से लेक्चर्स देख रहे हो तो उस हिसाब से फिर मैंने आपको डिवाइड करके दिया है कि 60 हमारे पास रियल एनालिसिस, टोपोलॉजी और मेजर थ्योरी के 60 लेक्चर्स होते हैं, लगभग 60 लेक्चर्स होते हैं, है ना। तो इनको आप क्या करिए, 30 दिन में डिवाइड करिए, 30 दिन आप 60 लेक्चर्स को दीजिए। कभी थोड़ा ज्यादा पढ़ लेंगे, कभी कम पढ़ेंगे, 4 घंटे में 4 घंटे पूरा नहीं लेक्चर देखना है, स्पीड इंक्रीज करके आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो 2 लेक्चर मान के चलिए कि आपको 1 दिन में कवर करने हैं, है ना, क्योंकि टाइम अब उतना भी ज्यादा नहीं है जितना आप सोच रहे हो। अगर आप लेक्चर्स को टोटल सम करोगे तो 230 आपके पास लेक्चर्स बनेंगे ये इन सारे टॉपिक्स के, जिनमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, रियल एनालिसिस, टोपोलॉजी, मेजर थ्योरी, ये आ गया, कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, अबस्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ODPD, COB, इंटीग्रल इक्वेशन, न्यूमेरिकल एनालिसिस। कुछ एक टॉपिक तो मैंने छोड़ भी दिए हैं, छोड़ने का रीजन ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं कि आप इन टॉपिक को मत पढ़िए। अगर आप इनमें अच्छे हैं तो मेहनत करिए, दूसरे टॉपिक की जगह पे आप रिप्लेस करके उनको रख लीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा टाइम को कम करिए, जैसे यहाँ पे 28 कर दिए, यहाँ पे 8 कर दीजिए, उस हिसाब से टाइम आप निकाल लीजिए उन टॉपिक्स के लिए। जैसे मैकेनिक्स का मैंने नहीं रखा टॉपिक, है ना, स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का मैंने नहीं रखा, लीनियर प्रोग्रामिंग का मैंने नहीं रखा टॉपिक। अगर आप इनमें बेहतर है, इनको आप नहीं चाहते स्किप करना, तो जरूरत भी नहीं है, आप अगर कर सकते हैं तो इनको करिए, इनके लिए अलग से आप इसी में आपको टाइम मैनेज करना होगा, है ना। ये टॉपिक्स जो हैं इनको लगभग सब लोग थोड़ा टच में रहते हैं, पढ़ते हैं, तो वही टॉपिक्स मैंने क्या किया, इनको रखा है। तो देखते हैं जरा टाइम टेबल को।
रियल एनालिसिस, टोपोलॉजी, मेजर थ्योरी को 60 लेक्चर्स में मैंने डिवाइड किया, उनको 30 दिन में अपने को कंप्लीट करना है। 30 दिन मतलब 9 अक्टूबर से 7 नवंबर तक रोज आप चेक करते रहिए कि क्या ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, है ना। 7 नवंबर तक रियल कंप्लीट होगा या फिर नहीं होगा, रोज चेक करिए, ठीक है। फिर उसके बाद में कैलकुलस को 20 दिन दिए हैं, ये बिल्कुल आपके ऊपर है टोटली कि आप किसको पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। किसी भी टॉपिक इजी से स्टार्ट करिए, फिर धीरे धीरे कवर आपको सारी चीजें करनी है, ठीक है। मैं रियल से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज है, सबसे ज्यादा लेक्चर्स आपको देखने हैं, सिलेबस भी सबसे ज्यादा है, तो रियल से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप आसान बनाने के लिए ओडी पीडी ओडी से स्टार्ट करिए, अब स्ट्रक्चरल अलजेब्रा से स्टार्ट कर सकते हो, लीनियर अच्छा रहेगा आप लीनियर से स्टार्ट कर सकते हो, अकॉर्डिंगली आप थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर सकते हो टाइम टेबल में, है ना। अदरवाइज आप क्या करिए, रियल से स्टार्ट करिए, 7 नवंबर तक अपने को रियल कंप्लीट करना है। मेक श्योर करिए कि 7 तक कंप्लीट कर लेंगे रियल। 8 से स्टार्ट कर दीजिए आपका कौन सा कैलकुलस, कैलकुलस में आपका कौन सा रहेगा, इंटीग्रल कैलकुलस हो गया, है ना, डबल ट्रिपल इंटीग्रल वॉल्यूम सरफेस वो हो गया, एंड उसके बाद में वेक्टर कैलकुलस भी रहता है तो वो आ जाएगा आपका। तो 20 लेक्चर्स रहते हैं तो 10 दिन मैंने दिया है और ये सफिशिएंट है आपके। 10 दिन में कैलकुलस आपको कंप्लीट करना है, मतलब 17 नवंबर तक आपका कैलकुलस हो जाएगा। 35 लेक्चर्स लगभग लीनियर अलजेब्रा के रहते हैं, उनको मैंने दिए हैं 18 दिन। 18 दिन में 35 लीनियर अलजेब्रा के लेक्चर कंप्लीट करिए। अगर अपने आप पढ़ रहे हैं तो लीनियर अलजेब्रा 18 दिन में आपको कंप्लीट करना है, जैसे भी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। लगभग 3 घंटे दिन में देंगे तो सफिशिएंट है, 18 दिन में आप कर सकते हैं आराम से कंप्लीट। थोड़ा बहुत तो लीनियर के टच में रहेंगे ना, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया है, है ना, बेसिक चीजें आप जानते हैं, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, ये सारी चीजें, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर। कुछ और बेहतर थोड़ा सा पढ़ना है, आइगन, जैसे आपका इनर प्रोडक्ट हो गया, नॉर्म हो गया, नॉर्म लीनियर स्पेसेस हो गया, इन सब पे थोड़ा ज्यादा टाइम देना है, है ना। आगे की चीजों पे जो आप आता है उसको आप कम टाइम दीजिए, पर 18 लेक्चर में एनी हाउ आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। मतलब 4 दिसंबर तक आपका लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 14 दिसंबर तक, 5 दिसंबर से 14 दिसंबर तक 10 दिन में करना है। इसके भी लगभग सर से मैंने पूछा तो बता रहे थे 20 लेक्चर में हो जाता है, ठीक है। तो 14 दिसंबर तक आपका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। फिर अबस्ट्रैक्ट अलजेब्रा 40 लगभग लेक्चर रहते हैं, इसमें रिंग थ्योरी, ग्रुप थ्योरी, नंबर थ्योरी सब इंक्लूडेड है। तो 20 दिन में आपको ये कंप्लीट करना है, 3 जनवरी तक आपका ये हो जाएगा 15 दिसंबर तक, ठीक है। फिर ओडीपीडी 35 लगभग लेक्चर्स होते हैं ओडीपीडी के, 18 दिन में आपको इसको कंप्लीट करना है, जो 21 जनवरी तक आपका हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद में आते हैं सीओबी इंटीग्रल इक्वेशन के ऊपर, तो 10 लगभग लेक्चर इसमें लगते हैं, 5 दिन में आपको इसके लिए आपको दे रहा हूं, तो 5 दिन आप इसके लिए ले दीजिए, इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं 5 दिन में। एंड फिर न्यूमेरिकल एनालिसिस में लगभग उसमें भी 10 लेक्चर में कंप्लीट हो जाता है। सीओबी इंटीग्रल इक्वेशन न्यूमेरिकल एनालिसिस ये अप्लाइड पार्ट है, इसमें कुछ फिक्स टाइप ऑफ पैटर्न है, किसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ऐसे बनते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, तो इसलिए कम कम मैंने आपको इसमें नंबर ऑफ डेज दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये आपका 31 जनवरी तक लगभग सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे अपने हिसाब से मैनिपुलेशन करके आप एक टाइम टेबल बेहतर बना के लगाइए जहां पे आप रहते हैं, और 31 जनवरी तक जो भी आपने डेज या फिर डेट्स जो आपने यहाँ पे रखे हैं टाइम टेबल में, उस डेट पे आपको कंप्लीट करना है। हर दिन आप चेक करिए कि क्या उतना आपने कर लिया जितना आपको करना चाहिए, क्या 3 घंटे आपने पढ़े, 3 घंटे अगर आप रोज देंगे मैं गारंटीड बोलता हूँ आप सिलेबस पूरा आप कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो ये टाइम टेबल है, 116 दिन में 230 लेक्चर्स अपने को कंप्लीट करने हैं, इस तरीके से हमने आपको डिवाइड करके दिया है, आप थोड़ा सा अपने हिसाब से मैनिपुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये टाइम टेबल आपको पसंद आया होगा। क्या अगर आप टाइम टेबल बनाते तो कौन सी चीजें आप अपने हिसाब से रखते, क्या आप इसमें चेंजेस करते, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो, सकता है बाकी लोगों के लिए वो हेल्पफुल हो। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो उस पर बात करेंगे कि कैसे आपको मैनेज करना है टाइम, है ना, तो उस पर हम लोग जरूर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। प्रिपरेशन करते रहिए, मेहनत करते रहिए, मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, मेहनत करोगे तो बेहतर जरूर करोगे आप। और उसके साथ में अगर आप चाहें तो हमारे साथ भी आप जुड़ सकते हैं, गेट का रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है, आप कम से कम प्राइस पे इनरोल कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ के आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।